तो प्रेमी सजनों, अब आपकी सेवा में महाभारत से अभिमन्यु विभाग की रागनिया पेश करता हूं। पांडव सर्त की 13वीं साल का गुप्त वर्ष राजा विराट के यहां पूरा कर चुके थे। भीमसेन द्वारा विराट सेनापति कीचक का वध हुआ। कौरवों ने विराट पर चढ़ाई की, अर्जुन ने उन्हें परास्त किया। कौरव लौटकर पांडवों के प्रति राजनीति में उलझ गए, वो उनको नष्ट करना चाहते थे। इधर राजा विराट इस गिलानी में डूब गया कि उसने लोकप्रिय महाराजा धर्मराज तथा उनके भाइयों सहित 1 वर्ष अपनी सेवा कराई थी। राजा विराट सदैव से ही धर्मराज की नीतियों का समर्थक था। राजा विराट ने इनसे विशेष संबंध जोड़ने के लिए अपनी कन्या उत्तरा कुमारी का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव किया, लेकिन यह प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि अर्जुन ने उत्तरा कुमारी को 1 वर्ष पढ़ाया था और वो उसको अपनी दुहिता जैसे मानता था। परंतु पांडवों ने इस प्रस्ताव को सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार कर लिया। इस विवाह प्रस्ताव पर जब सबका रोष पांडव गोष्ठी हो रही थी, उस समय अर्जुन को द्रौपदी के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा गया। तब द्रौपदी अर्जुन से इस प्रकार कहने लगी, अरे बड़ी खुशी की बात प्याजी, मेरे अभिमन्यु का ब्याह कर ले, रथ ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले, रथ ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले। बड़े खुश की बात पियाजी, अब मल्लु का ब्याह कर ले, रथ ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले, रथ ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले। मौसम बड़ा गर्म पिया जी, जब मौसम कुछ ठंडा था, अब मौसम बड़ा गर्म पिया जी, जब मौसम कुछ ठंडा था। समझावड़िया समुनी और धाम पुरोहित पंडा था, मनी ना दिया गार्ड सभा में जुए खेल का झंडा था, मनी ना दिया गार्ड सभा में जुए खेल का झंडा था। बड़ा बंदरा मैं डंडा सब पैरी बसे निगाह कर ले, कत्ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले, रत्ते उतर बहु चल तू घर बैठन का रहा कर ले।
करे से दुख सुख टूटे और नफा मानस ही पे हुआ करे से दुख सुख टूटे और नफा। एक बात से बुरी लगू मैं खरी बात ने कहूं सपा धर्म राज से पूछ लिए हा टी के पा में सब का पा धर्म राज ते पूछ लिए हा टी के पा में सब का पा कदे बहू ने तापे दर के कदे बहू ने तापे दर के तू सुगनी गल्या कर ले रथते उतर बहू चल तू घर बैठन का रहा कर ले रथते उतर बहू चल तू घर बैठन का रहा कर ले।
क्या कर ले, रथ ते उतर बहू चल तू घर बैठ का रहा कर ले रे, रथ ते उतर बहू चल तू घर बैठ का रहा कर ले। पांडव पक्ष में सभी को यह चिंता थी कि जब हमारे पास घर भी नहीं है तो ब्याहली को बिठाया कहां जाएगा। यही शंका द्रौपदी ने की। उसने अर्जुन को कृष्ण के साथ मशवरा करने का सुझाव देकर अपनी दुर्दशा का परिचय दिया, क्योंकि बड़ी शक्तियों में पांडवों के प्रति केवल कृष्ण जी की ही सहानुभूति थी। उन्हीं की कृपा से कौरवों की भ्रष्ट योजना से ये लोग कई बार बच गए। अर्जुन ने द्रौपदी का सुझाव सहर स्वीकार किया और दूत द्वारा श्री कृष्ण जी को द्वारका से बुलवाया गया। श्री कृष्ण जी द्वारका से आए और सीधे द्रौपदी से मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी अधीर हो उठती है। 13 वर्ष की पीड़ाओं ने इनकी इंद्रियों को छीन कर दिया था। द्रौपदी का अंग भाग ही मूक होकर अपनी करुणा गाथा को श्री कृष्ण जी को सुनाने लगी। अरे आगे श्याम सुना रानी ने शिथिल अंग दिल डोल गया, बाके बिरज सुखद अभिनंदन आख्या में जल बोल गया। आगे श्याम सुना रानी ने शिथिल अंग दिल डोल गया, बाके ब्रज सुखद अभिनंदन आख्या में जल बोल गया। दर्शन अरे तेरी जय जय हो श्री कृष्ण, हिरण बोली तेरी जय जय हो श्री कृष्ण, भगतों का तन मन धन अर्पण, भगतों का तन मन धन अर्पण धर्म डोर पे तोल गया, बाके ब्रज सुखद अभिनंदन आख्या में जल बोल गया।
अब मेरे ते जाय न भोग बोली अब मेरे ते जाय न भोग अब हम रहना जीवन जोगे अब हम रहना जीवन जोगे गांवों में बिसे घोल गया बाके ब्रज सुखद अभी नंदल आख्या में जल बोल गया का मिलन बड़ा ही मार्मिक था। द्रौपदी की बातों से कृष्ण जी विह्वल हो उठते हैं और द्रौपदी से इस प्रकार कहने लगे, अरे धीरज धर दुख में, धीरज धर दुख में, अरे हो दर्द का अंत पवन अब सरक जाके रुख में धर दुख में ओ धीरज धर दुख में अरे ओ दर्द का अंत पवन अब सरक जाके रुख में रे धीरज धर दुख में ओ धीरज धर दुख में
ने द्रौपदी को समझाया और फिर वे पांडवों के स्थान पर गए और उनसे अभिमन्यु के विवाह पर विचार किया। प्रस्ताव पास करके श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। बाद में वेद विधि से विवाह दिन सोचकर तय किया गया तथा धौम्य पुरोहित जी द्वारा लगन लिखवाई गई तथा लगन को लेकर पुरोहित जी द्वारका गए। अभिमन्यु की लगन आने की द्वारका में खुशियां मनाई गई। इस घटना का पता जब सुभद्रा को लगा तो उन्होंने अपने भाई कृष्ण को अपने पास बुलाया और इस प्रकार कहने लगी, अरे वो दासी मैं पीहर में उड़े मा टुकड़े खा कर पलती, कड़े ठिकाना बाली का जन लेकर जन्म करी गलती, वो दासी में पीहर में उड़े मा टुकड़े खा कर पलती, कड़े ठिकाना बाली का जन लेकर जन्म करी गलती।
भट बहु न चावणिए जुए के दापे तरके नारी अपनी लाज बचावणिए चार ते डर के छिपे सिर बन सुन में रोब जचावणिए बड़े बहादुर छतरी है वे बात हवा में मेल रचावणी हवा में मेल रचावणी नित पैर की आ गई जलती कड़े ठिकाना गाली का जन लेकर जलम करी गलती के बाल खुले प्यासे हृदय में कई चोट लगे जब बाजे खुशियां के तासे एक लाज लुटे वा बैठी कुछ मौज करे चंगे खासे बहु भरम में मर जागी जो जुड़े जुवे के फिरे रासे जनवास में चौपड़ होगी जनवास में चौपड़ होगी पावे तुम्हें कोट चलती कड़े ठिकाना ब्याली का जन लेकर जन्म करी गलती वो दासी में पियर में उड़े मा टुकड़े खा कर पड़ती कड़े ठिकाना ब्याली का जन लेकर जन्म करी गलती धरती तिले
थारे ना है। सुनो कन्हैया टूटी ना मैं ताब हमें न धरेना है। डूबेगी जब बीच धार में दुनिया ही ना मरना है। गुरु शरण दास ब्याह करना है, गुरु शरण दास ब्याह करना है तो होड़ी ने फिर चलती। पड़े ठिकाना ब्याली का जन लेकर जन्म करी गलती। वो दासी में पीहर में उड़े मा टुकड़े खा कर पलती। पड़े ठिकाना ब्याली का जन लेकर जन्म करी गलती। जिन सवालों को पीछे छोड़कर आए थे वही सवाल श्री कृष्ण जी को यहां मिले। लोक में उस समय यह प्रचार था कि पांडव इतने बलहीन हो चुके हैं कि कौरवों से राज वापस जीत कर ले आए, अब उनके बस की बात नहीं है। सभी लोग इस धारणा में फंसे हुए थे कि अब उन्हें हमेशा दुर्योधन के कुराज में ही जीना पड़ेगा। लोक की यह आवाज द्रौपदी सुभद्रा और कुंती तक पहुंच चुकी थी। उनको इस प्रचार से बहुत दुख था। वो चाहती थी कि पहले जनता के दिल में शांति होनी चाहिए, बाद में कोई अन्य कार्य होगा। परंतु श्री कृष्ण जी का मुख्य उद्देश्य पहले अभिमन्यु के विवाह से था, क्योंकि वो जानते थे राज में लड़ाई इतनी उग्र रूप धारण करेगी कि वंश का अंत भी हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा को इस प्रकार समझाने लगे। अरे पागल हुई बावड़ी कैसी प्यार में जियो, पागल हुई बावड़ी कैसी प्यार में जियो। हार बड़े गले हार विजय की छिपी हार में हे जियो, पागल हुई बावड़ी कैसी प्यार में जियो। मैं करते वो ना डरते
शिकार मैं जो पागल हुई बावड़ी किस प्यार मैं जो जी महाराज सुभद्रा को भली भांति समझाकर विवाह के लगन कार्य में लग गई। अभिमन्यु के विवाह की खबर हस्तिनापुर में पहुंच जाती है। इस खबर से दादी मां कुंती को एक बार तो महान खुशी हुई, किंतु तुरंत ही उनको भी चिंता ने दबा लिया कि ब्याह होकर ब्याहली कहां जाएगी, क्या कौरव इस विवाह को सुखपूर्वक हो भी जाने देंगे। इनकी याद में सभी विवाह दुर्दशा से हुए। भीमसेन का विवाह आपत्ति काल में हुआ और द्रौपदी के विवाह पर विपत्तियों के बादल छा गए। सुभद्रा के विवाह जो भी संकट ने अछूता नहीं छोड़ा, अब उनके पुत्र विवाह के भी आसार इस प्रकार नजर आ रहे हैं। अरे इस ब्याह की सुन के कुंती मगन सी होली रे, इस ब्याह की सुन के कुंती मगन
अभिमन्यु का ब्याह सुन के एक नई उमंग क्षण होगी। बिसर गई सुत दे मात सुत ममता में अर्पण होगी। बिसर गई सुत दे मात सुत ममता में अर्पण होगी। काप गई एक साथ गात जब बात पुरानी याद हुई। भरत वंश की महारानी में अब कितनी बर्बाद हुई। छूट गई जाद लुटा घर सभी भंग मर्याद हुई। छूट गई जाद लुटा घर सभी भंग मर्याद हुई। प्याली का डोला कित उतरे प्याली का डो लाकित उतरे। बामन मन में बोली से डाकी सुन के कुनती मगन सी। बोली रे इस व्याकी सुन के कुनती मगन सी। झगड़ा कर दिया भीमसेन को जहर दिया। पता नहीं अपराध कौन सा जिस पर इतना बैर किया। पता नहीं अपराध कौन सा जिस पर इतना बैर किया। मैं फिर भी रही खुशामद करती सभी बुराई त्याग दई। पांडव वंश नष्ट करने को फिर लाखा में आग दई। फिर भी किया फैसला मैंने धर पैरों में पाग दई। फिर भी किया फैसला मैंने धर पैरों में पाग दई। जुए का नक्शा याद हुआ रे जुए का नक्शा याद हुआ। तब फिर धरती से डोली से डाकी सुन के रे कुनती मगन सी। बोली रे से डाकी सुन के कुनती मगन सी। जा आज समाऊ में आजा मौत प्यास पहले तेरी गोदी में चढ़ जाऊ मैं। आजा मौत प्यास पहले तेरी गोदी
गोदी में चढ़ जाऊं मैं। संकट में फंसगी महारानी, संकट में फंसगी महारानी, तरक उठे मत बोली से डाकी सुन के रे कुनती मगल सी। बोली रे इस ब्याकी सुन के कुनती मगल सी होली। एक दिशा में मातम था दो पट्टा के बीच केर में बिछा हुआ उनका दम था। राज द्वेष कल कितना उफने सोच सोच उनको गम था। राज द्वेष कल कितना उफने सोच सोच उनको गम था। गुरु शरण दास सत्य सदाया कारण सबको दुख दिया करते। आदत से मजबूर सदा खल आसव घोर पिया करते। भले बुरे का पता नहीं वो अपना ही नाश किया करते। भले बुरे का पता नहीं वो अपना ही नाश किया करते। वो दिन भूला जा न सके रे, वो दिन भूला जा न सके, जब चीरक जा दिल थोड़ी से काकी सुन के रे कुनती मगल सी। बोली रे इस ब्याह की सुन के कुनती मगन सी होली, कुनती मगन सी होली, कुनती मगन सी होली से ब्याह की सुन के रे कुनती मगन सी। बोली रे इस ब्याह की सुन के मगन सी होली। अभिमन्यु के विवाह का पता संवाददाताओं द्वारा सुगनी को लग गया। सुगनी छली दंभी और कौरवों का गुप्त द्वेषी था। वह चाहता था कि यह वंश शीघ्र ही नष्ट हो जाए। इसको लड़ाई का यह समय भला जचा और इसने दुर्योधन और दुशासन को बुलाकर अभिमन्यु के विवाह में विघ्न करने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन बहुत ही बड़े अहंकारी राजा थे। उनकी नीच बुद्धि में सुगनी की सलाह जगह कर गई, परंतु सौभाग्यवश इस षड्यंत्र का पता गंधारी को चल जाता है। उन्होंने इस कुबुद्धि को अपने पास बुलाकर फिर इस प्रकार कहने लगी। एरे गरुण मजीरा जज्जा करे, जब आख्या में जाला टिक जा, करम लेखनी ईश्वर पे कद दौड़े पे काला लिख जा। ओ, करम लेखनी ईश्वर पे कद दौड़े पे काला लिख जा। करुण बजीरा जज्जा करे, जब आख्या में करम लेखनी ईश्वर पे कद
दौड़े पे काला लिख जा करम लिखनी ईश्वर पे कदे दौड़े पे काला लिख जा। Yeah!
दिखा गए पता करण किसने रोक्या। ओ गौ हरण में पीठ दिखा गए पता करण किसने रोक्या। भरत वंश सुगंधी सावल ने देश की अग्नि में झोंका। सदा नहीं जगड़े रहते ये आ गया कोई बुरा मौका। ओ सदा नहीं जगड़े रहते आ गया कोई बुरा मौका। इस जीने से मरना चौका जब इज्जत का पाड़ा बिक जा। कर्म लेखनी ईश्वर पे कद दौड़े पे काला लिख जा। ओ कर्म लेखनी ईश्वर पे कद दौड़े पे काला लिख जा। और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत लोकगीत भजन कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदने से पहले सोनोटोन का ट्रेडमार्क जरूर देखिए।